सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे हाथ में दो नए 500 के नोट हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों नोटों में से कौन सा असली और कौन सा नकली है? अगर आप भी ये नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, हम रोजाना जो है नोट का लेन देन करते हैं, तो हमें इसके असली और नकली होने की पहचान भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जो नए नोट आ रहे हैं, नई करेंसी जो आ रही है, इसमें बहुत से नए नोट जो है हमें जाली भी मिल सकते हैं, यानी कि नकली भी मिल सकते हैं। तो इसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर कौन सा नोट असली है, कौन सा नकली, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड को भी इसके बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपने असली और नकली नोट होने की पहचान जो है कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर एक नोट को साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दूसरे नोट की सबसे पहले पहचान बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इस नए नोट में, यानी कि न्यू करेंसी में, जो आपको कुछ हाइडन फीचर दिए गए हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा, ये आपको एक स्क्रेच कार्ड की तरह जो है दिखाई देता है यहाँ पर एक ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इसे रोशनी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 500 लिखा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल जो यहाँ पर मेरे पास अभी CFL या फिर कोई भी ऐसी रोशनी टॉर्च वगैरह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बल्ब की रोशनी में आप इस साइड से देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 500 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर 500 उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी नोट के असली होने की पहचान है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दूसरा फीचर बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको 5 लाइन जो है दिखाई देंगी। तो इस 5 लाइन के पीछे एक बहुत पुराना इतिहास है, इसके पीछे जो है क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप इसको जैसे कि अपने उंगलियों से या फिर अपने अंगूठे से स्क्रेच करेंगे तो ये उभरी हुई दिखाई देंगी। तो ये जो स्क्रेच, तो ये जो लाइन है, इसको रखा गया है सिर्फ नेत्रहीन लोगों के लिए। वो पहचान लगा सकते हैं कि ये जो है 500 का नोट है, क्योंकि यहाँ पर 5 लाइन है। तो यहाँ पर जो है उससे पहचान लगा सकते हैं इस नोट के असली और नकली होने की भी। तो यहाँ पर जो है हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनकी नजरें कमजोर होती है, नेत्रहीन, वो जो है इसको स्क्रेच करने के बाद जो है 500 का नोट का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये 500 का नोट है। तो यहाँ पर भी एक फीचर दिया गया है इस नए नोट में। अब यहाँ पर हम तीसरे फीचर की बात करते हैं, तो तीसरा फीचर ये रहा, जैसे कि आप यहाँ पर इसे उजाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो है यहाँ पर ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर इसे बल्ब की रोशनी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको गांधी जी की एक फोटो दिखाई देगी, जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखाई दे पाएगी। लेकिन अगर आप बल्ब की रोशनी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको गांधी जी की फोटो दिखाई दे जाएगी। ये भी असली और नकली नोट होने की पहचान है। और इसके बाद यहाँ पर एक 500 भी आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, ये भी आपको बल्ब की रोशनी में ही देखना है। तो यहाँ पर जो फिलहाल मेरे पास जो है अभी बल्ब नहीं जल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको 500 भी उभरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी नकली और असली होने की नोट होने की पहचान है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर चौथा फीचर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको अशोक का चिन्ह दिखाई देगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर जो आपको एक गोल निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 500 लिखा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये भी नोट के असली होने की पहचान है, 500 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको ये 500 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर में है, तो आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये थोड़ा रंग जो है इसका चेंज हो जाता है। ये भी नोट के असली होने की पहचान है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम गवर्नर के साइन की बात करें तो यहाँ पर ये चेंज हो चुके हैं, अब उर्जित आर पटेल के साइन यहाँ पर हो रहे हैं, ये हमारे नए गवर्नर है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको और पहचान दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको नोट के असली और नकली होने की एक मेन पहचान बताता हूँ, जो कि ये वायर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे नोट जो है आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिए दूसरा नोट भी ले लेता हूँ, दोनों में यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस नोट को जो है तिरछा किया, तो यहाँ पर जो इसकी ये वायर है ये नीली दिखाई दे रही है, लेकिन ये ग्रीन दिखाई दे रही है। ये भी नोट की असली पहचान है। अगर आप ऐसे इसे बल्ब की रोशनी में इस तरह से करेंगे, ये हरी दिखाई देगी, तो आप समझ लीजिएगा आपका जो नोट है वो नकली है। और अगर आप इस तरह से देखेंगे, ये ग्रीन दिखाई देगी, तो आप समझ लीजिएगा कि नोट ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, इस तरीके से भी आपको ग्रीन दिखाई देगा, तो आपका ये जो नोट है ये नकली है। अगर आपको इस तरह से नीला दिखाई देगा, यानी कि ब्लू, तो आप समझ लीजिएगा आपका नोट जो है असली है। ये भी इसकी एक पहचान है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें इस वायर में जो है RBI और भारत भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बल्ब की रोशनी दिखाई जलाई है, तो यहाँ पर आपको RBI और भारत लिखा हुआ दिखाई देगा इस वायर के अंदर। तो यहाँ पर RBI, यहाँ पर भारत, ये भी इसकी नोट की असली पहचान है कि आपका जो ये यहाँ पर वायर है ये असली है। तो ये भी नोट की एक बहुत ही अच्छी पहचान है देखने की, कि ये जो ग्रीन और ब्लू जो आपको दिखाई देता है, ये नोट की बहुत अच्छी तरीके से पहचान करने का सबूत होता है। तो हम जो ज्यादातर नोट को चेक करते हैं वो इसी वायर से करते हैं। ये बहुत से आपने लोगों को देखा होगा, वो सिर्फ बल्ब की रोशनी में इस तरह से देखते हैं और उन्हें वो नोट जो है रख लेते हैं। आप सोचते होंगे कि किस तरह से ये नोट की जो है पहचान करते हैं, तो यही पहचान है। बस ये वायर जो है आपको ग्रीन दिखाई देगा और आप इस तरह से इसे बल्ब की रोशनी में देखेंगे तो ये नीला हो जाता है। ये भी इसकी नोट की असली और नकली होने की पहचान है। अब इसके बाद हम बैक साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ फीचर और दिए गए हैं इस नोट में। तो जैसे कि सबसे मेन फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है स्वस्थ भारत अभियान का एक लोगो, मोदी जी द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भारतीय
रिजर्व बैंक आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 15 भाषाओं में। यहाँ पर आपको 500 रुपया लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको लाल किले का चिन्ह दिया गया है, यानी कि आप बैग में जो है आपको लाल किले का चिन्ह दिखाई दे रहा है। लाल किला भी लिखा हुआ दिखाई देगा, रेड फोर्ट भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये नए नोट में जो है आपको फीचर दिए गए हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों इस नोट की जो है आप पहचान कर सकते हो। फिलहाल जो है मेरे हाथ में दोनों नोट ही असली है, सिर्फ मैंने आपको पहचान बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में जो नोट है असली है नकली। तो यहाँ पर आप इस लोगों को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप साइन का भी ध्यान रखिएगा और इस वायर का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो मैंने मुझे फीचर जिस तरीके से मैं अपने नोट को असली और नकली पहचान करता हूँ मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप भी कभी कोई नकली नोट ले लें, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए। वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कि आप चाहते हैं कि मैं 2000 के नोट की भी वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं 2000 के नोट के भी असली और नकली होने की पहचान आपको बता दूंगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।